हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत मस्तिष्क सेरेब्रल पॉल्सी ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिले सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक मीटिंग के दौरान अधिकारियों पर भड़के नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो सामूहिक विवाह आयोजन की सही जानकारी न दिए जाने से थे नाराज शुरू हुई हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं जिले भर में हजारों विद्यार्थी दे रहे परीक्षा नकल रोकने के सख्त बंदोबस्त नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने से जश्न का माहौल छिंदवाड़ा दफ्तर में भी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई और राज्य SC/ST आयोग के सदस्य गुरुचरण खरे ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की चर्चा क्रियान्वयन की समीक्षा की नमस्कार सिटी हलचल में आपका स्वागत है तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से नगर निगम सभा कक्ष में गुरुवार को निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो अधिकारियों पर जमकर बरसे महापौर विक्रम अहाके की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में 13 मार्च को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो रही थी लेकिन महापौर और निगम अध्यक्ष की जानकारी के बिना ही कुछ तैयारियां और टेंडर पहले ही कर लिए जाने से नाराज निगम अध्यक्ष ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई निगम अध्यक्ष की नाराजगी समझते हुए कमिश्नर राहुल सिंह ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया लेकिन निगम अध्यक्ष ने इस मामले में जानकारियों में पारदर्शिता रखने की बात कहते हुए बैठक में कड़ा रुख दिखाया इसमें क्या है कुछ नहीं बनी फिर इनको जवाब तो लेनी चाहिए इसमें क्या है सर नहीं आप मुद्दे से मत भटकाइए हम लोग बहुत मुद्दे से भटक चुके हैं इन्हें इन्वाइट किन्हें नो करा टेंडर होता टेंडर लेंगे जिसको लेना वो ले हमें टेंडर से कोई इंटरेस्ट नहीं है इन्हें आज इनवाइट करने का हम ये जानना चाह रहे हैं देखो क्या है इसमें टेंट कहाँ लगेगा कितने लोगों का खाना तो सर ये समिति वाले डिसाइड करके बता देते हैं इन्हें किन्हें इनवाइट करा ये हमारी मीटिंग में कैसे बैठे इनको वर्क ऑर्डर हो चुके हैं कुछ टेंडर जिला पंचायत से हुए तो समिति किस बात की बैठेगी समिति किस बात की बैठेगी चलो अब इससे मतलब बताया हमने कोई स्पीड नहीं है
आपसे बताएं ऐसा काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे कि आप ही को करना, तो आप ही करिए। जब मीटिंग रख रहे हैं आप, जब हम तैयार है सामने, हमारी पार्टी सामने आ रही है, वो पार्टी तैयार है कि समिति बनाया जाए, आप पूछे तो एक बार मिला करके। इसमें हमारा यही निवेदन है सर, क्या है कि जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि है यहाँ पर, कांग्रेस को या भाजपा के निर्दलीय इनका सर सम्मान बना रहना चाहिए। क्या कार्यक्रम जब सामूहिक कार्य होगा भैया, जब दोनों पार्टी तैयार है सामूहिक कार्य अच्छे से अच्छा, हमारी अच्छे से अच्छा काम हो। आपने अपनी सुविधा से रख ली कि आपको जबलपुर जाना है, हमें भी 10 काम रहते हैं, हमें भी 10 कार्यक्रम में जाने, आपने हमसे पूछा हमको भी 10 काम रहते हैं। आखिर बात होता तो सब बोलते कि ऐसा होगा, ऐसे जिसमें भी होगा ऐसा बारह दो सामूहिक विवाह 13 तारीख का मुहूर्त है, इसके बाद मई का कोई मुहूर्त नहीं, और लगातार अपन ने इसमें प्रयास किए थे जोड़े कमा रहे, फिर 13 मार्च में लगभग अभी 1100 के आसपास आवेदन आने की संभावना है लास्ट दिन तक, और इसमें अभी 3 दिन पहले तक 4 दिन पहले तक हमारे पास 230 ही थे। इसमें जो शादी हो रही है यहाँ जितने बैठे हैं इनके कोई परिवार भी नहीं है, बहुत गरीब लोगों की शादी है। और अभी सर बोल रहे थे कि इसके बाद 2 महीने का सीधा कोई ऐसा मुहूर्त नहीं है, जो भी सनातन मानने वाले लोग हैं वो 13 तारीख के बाद कोई मुहूर्त उसका है ही नहीं, सीधे जा रहे महीने बाद, गरीबों का अधिक नहीं होना चाहिए। रही बात आप भी अपनी बातों पर सही हो कि जो भैया वर्तमान में सामने पिक्चर है जबलपुर जाना, कई गिरिराज सिंह जी आएंगे, मंत्री जी आ रही है, अब ये व्यवस्था और ये सब आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इन लोगों से आप समन्वय बना के समिति का गठन करें और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो। मैं कहता हूँ आज ही बना लीजिए, मैं कह रहा हूँ मीटिंग अपन अपने हिसाब से रखो, आज आज कोई मुद्दे पे बात नहीं होगी, कल अपन पहले अपने से डिसाइड करें कि मीटिंग कब रखना, कब उसके बाद मीटिंग। हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत गुरुवार 2 मार्च से हो गई है। पहला पेपर हिंदी विषय का आयोजित किया गया। छिंदवाड़ा शहर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में हजारों विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं का प्रथम पेपर दिया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पेपर देने पहुंचे। इस दौरान नकल रोकने के लिए भी बंदोबस्त किए गए थे। सीसीटीवी कैमरा और विशेष उड़न दस्तों की मदद से नकल रोकी जा रही है। विद्यार्थियों ने बताया हिंदी का पेपर काफी अच्छा आया था और अधिकांश विद्यार्थी खुश नजर आए। ट्वेल्थ का पेपर था, मेरा नाम रंजित नंदवंती है, और ट्वेल्थ का फर्स्ट पेपर था हिंदी का, जिसमें आज बहुत अच्छे से गया पेपर, कोई दिक्कत नहीं हुई, सिलेबस पढ़ा हुआ आया था पूरा। अच्छा लगा जी, बढ़िया। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजित नंदवंती। आज ट्वेल्थ कक्षा की परीक्षा थी, आज पहला पेपर हिंदी का था, आज से परीक्षा ओपन हुई है, स्टार्ट हुई है, और बहुत अच्छा पेपर था, बहुत सही जा रहा है, सरल आया पेपर, सब अच्छा है। अभी छूटा 9 से 12 पेपर था, कैमरे की निगरानी में, पूरी प्रशासन की निगरानी में पेपर का आयोजित किया गया था, जिससे नकल भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा अच्छा पेपर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने पर पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है। इसी क्रम में जिला भाजपा कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखा गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व की जीत बताया। इस अवसर पर भाजपा छिंदवाड़ा लोकसभा प्रभारी नरेश दिवाकर और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने मिठाइयां खिलाते हुए एक दूसरे को जीत की बधाइयां दी। इस मौके पर भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी भी की गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत माता की जय। राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत अभिनंदन, जिनके मार्गदर्शन में हमने नॉर्थ ईस्ट के 3 प्रदेशों में नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में जीत हासिल की है, और इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी का
भाजपा कार्यकर्ता के नाते उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ समस्त राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। जो भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों में विजयश्री प्राप्त हुई है, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज पूरे देश के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, साउथ में नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है। ये संभव हुआ है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण नीति के कारण, ये संभव हुआ है नड्डा जी के द्वारा जो उन्होंने संगठन को मजबूत किया है, और ये संभव हुआ देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कारण, जिनकी नीतियों के दम पर आज पूरे देश में भाजपा विजयश्री हुई है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी, हर्ष और जोश का माहौल है, और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर फटाके फोड़ करके, बाजे बजा करके, मिठाई बांट करके मोदी जी का धन्यवाद दिया, अभिनंदन दिए हैं और खुशियाँ मनाए। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडमिशन ओपन, आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा प्रणाली के तहत स्किल एनहेंसमेंट, प्री नर्सरी, नर्सरी एवं यूकेजी की आधुनिक क्लासरूम बनाई गई है, जिसमें पढ़कर आपका बच्चा टॉय पेडागोजी की मदद से रोज नवाचार करेगा और आगामी कक्षाओं के लिए मजबूत बनेगा। तो देर ना करें, आज ही हमारी लर्निंग विंग्स की शाखा में विजिट करें। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए लर्निंग विंग्स लाए हैं 21वीं सदी का प्री स्कूल। आज ही हमारे लर्निंग विंग्स की छिंदवाड़ा शाखा में विजिट करें। हमारा पता है शिवम सुंदरम कॉलोनी, गली नंबर 3, छिंदवाड़ा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटा थाना, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटा थाना, चंदन गांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य गुरुचरण खरे ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में एक मीटिंग की।
इस मीटिंग में महापौर विक्रम आहके, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, साथ ही महिला बाल विकास एवं अनुसूचित जाति थाने के प्रभारी शामिल हुए। बैठक में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए चलाई जा रही शासन की योजनाओं की जिले में क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही थाना प्रभारियों से SC/ST प्रकरणों में अभी तक हो रही पहल की जानकारी हासिल की गई। इसके अलावा उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रकरण बस बना करके हम ऐसी कार्यालय को भेजते हैं, फिर वहाँ से ही ये सैंक्शन होती है। कितने दिन में पहला पड़ेगा जान दे देते हैं जिसका जाति नाम होता है सर? वो तो ऐसी कार्यालय से होता है सर, वो हम तो बना करके भेज देते हैं ऐसी कार्यालय में वहाँ से। कितने लोगों का उसमें पेंडिंग चल रहा है? पेंडिंग तो सर हमारे पास अभी नहीं है। दो आते हैं सर। सर 55 आज के डेट में हमारे यहाँ पर 55 पेंडिंग है। 55 पेंडिंग है सर? ये एजे के का है सर पेंडिंग, एजे में था यहाँ कार्यालय में। मुझे तो हमको जिले भर के आंकड़े दीजिए। हाँ जी, जिले भर के कि हमारे कितने कैश पेंडिंग कि हमने इनको रात रात भी नहीं दे पाई है और नहीं दे पाई है, क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि क्या होता है कि कई बार थानों में तो जाते हैं लोग, पर वो क्या होता है कि जो एक्चुअल घटना कुछ और होती है, तो हमको थाने में भी पहले वेरीफाई करना पड़ता है कि वाकई में ये घटना है या नहीं। सामान्य वर्ग और ST/SC वर्ग, जैसे मान लीजिए उदाहरण कि जो कार्यवाह कोई केस है, कोई व्यक्ति आया ST/SC का, अब वो हमसे कह रहा है कि अरे मेरे साथ घटना घटी है। हम जब जुनार्दन में पता करते हैं तो पता चलता है कि ये उनके थाने का आरोपी है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, इसलिए वो ST/SC का प्रकरण हमारे AJK में आके दर्ज कराना चाहता है। तो ऐसी दशा में सब पहले वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद में ही केस दर्ज करते हैं। अन्यथा यदि प्रथम दृष्टया समझ में आ जा रहा है कि केस है, तो गुंडीपुरा, देहात और कोसवल, ये तीनों थाना क्षेत्रों में होते हैं सर अपराध प्रतिबंध। हमारे थाने में सर डायरेक्टली वैसे कोई नहीं आता है, ये संबंधित कोतवाली, देहात और गुंडीपुरा में। और उसके 6 महीने रह गए या 3 महीने, तो पैसे कहाँ से आएंगे? ये पहले चेक देते थे, चेक NST देते थे, अभी बस SST पत्र जैसा वो देते थे। पहले सर NST देते थे हम लोग, 5 NST देते थे हर साल एक, और उसके बाद वो NSC हिंदाई के पास रहती थी, वो उसकी मेजोरिटी पे वो करा लेते थे उसका। लेकिन अब वो सारी NSC हम लोगों ने 2014 से वापस ले ली, और उसकी एक निधि बनी है सर स्टेट में, तो वो लाडली निधि के नाम से है, उसमें वो सारे पैसे जाए। ये बैठक आयोजन जो किया गया था, इसका उद्देश्य यह है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें महिला बाल विकास, सहकारिता, उद्योग, MPB, ट्राइबल और अन्य नगर पालिका, नगर निगम और ट्राइबल एजुकेशन, क्या निर्देशित किया गया और किन मुद्दों पर चर्चा की? इनको हमारे साथ इस बैठक में छिंदवाड़ा जिले के महापौर विक्रम आहके जी भी सम्मिलित हुए, उनके भी बहुत उन्होंने जानकारी दी और उनसे जानकारी भी पूछी, मेरे द्वारा भी पूछा गया है कि हम विद्युत विभाग से ये पूछना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर एक महीना आप जल रहा है बदल नहीं रहे हैं, ट्राइबल से राहत राशि जो तुरंत देने की है वो राहत राशि के प्रकरण 2-2 साल से पेंडिंग है, महिला बाल विकास से भी जानकारी प्राप्त की गई है, ऐसे समस्त मुद्दों पे आज चर्चा की गई और उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमें 15 दिन के अंदर पूरा प्रस्तुतकरण दें। आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य आदरणीय गुरुचरण खरे जी के और हमारे SC/SEL के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश मारवलिया जी, हमारे नागवंशी जी, हमारे जगदीश गोदरे जी और समस्त साथियों के साथ आज मंत्री जी दौरे पर हैं, और आज रेस्ट हाउस पर विभिन्न विभागों की बैठक छिंदवाड़ा पर ली गई।
सर्किट हाउस पर बैठक ली गई, जिसमें जो शासन की योजनाएं चल रही है, लेकिन शासन की योजनाएं कागजी तौर पर तो चल रही है किंतु उस पर ज़मीनी स्तर पर उसका आवंटन नहीं हो पा रहा है और धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। उसको लेकर मंत्री जी ने उन्हें कड़क निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से आप हितग्राहियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन फंड का अभाव है और हितग्राहियों को सिर्फ परेशानी देखने को मिल रही है। इसको लेकर आज मंत्री जी और मैंने निर्देशित किया और 15 दिन में उनको प्रतिवेदन बना के देने का कहा है। जैसे ही हमारे पास पूरे आंकड़े आते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई हम माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार करेंगे। और भी किन किन विषयों पर आपकी चर्चाएं हुई और क्या कमियां पाई गई, आपको क्या लगता है इसमें? बिल्कुल मेन चीज़ें थी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की, जिस पर देखा गया कि हमारे केस तो दर्ज होते हैं लेकिन अधिकतर लोग दबाव के कारण उसमें समझौता करना पड़ता है। अंतर जातीय विवाह की बात हो या किसी भी तरीके की योजनाओं की बात हो, लाभान्वित को जो राशि मिलनी चाहिए दो दो तीन तीन साल से यहाँ फंड नहीं आ रहे हैं, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो ये स्थिति छिंदवाड़ा शहर की और छिंदवाड़ा जिले की है, तो उसको लेकर आज हम लोगों ने निर्देशित किया। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल का गुरुवार को छिंदवाड़ा आगमन हुआ। जिला भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में शिरकत की। इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने बताया कि भाजपा का झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ बहुत तेजी से काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हर जिले का दौरा कर रहे हैं, इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर हितग्राहियों तक पहुंचने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों तक फायदा पहुंचे और उन्हें इन योजनाओं की पूरी जानकारी हो सके। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की आज जिला छिंदवाड़ा की बैठक है और मध्य प्रदेश सरकार की केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो शिवराज जी चौहान और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जनहितैषी कार्यों को संपन्न करती जा रही है, ये कार्य पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहे हैं या नहीं उसकी समीक्षा करने के लिए और जिन हितग्राहियों को लाभ मिल गया है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। आने वाले 2023 और 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आए और हमारा मत प्रतिशत जो है वो 10% बढ़े, इसके लिए झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ आने वाले समय में लगातार बस्तियों में काम करके बस्ती के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेगा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक जी माननीय अखिलेश खंडेलवाल जी का आगमन हुआ और पूरे प्रदेश भर में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संयोजक जी का आगमन हो रहा है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी समीक्षा पूरे प्रदेश भर में की जा रही है कि किन हितग्राहियों को लाभ मिला है, किसको नहीं मिला है और जिनको नहीं मिला है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता घरों घर जाकर सब हितग्राहियों से पूछने का अभियान चला रहे हैं कि आपको किस योजना का लाभ मिला है और किस योजना का लाभ नहीं मिला है, और जिन हितग्राहियों को जो पात्र हैं और जिनको सही में ज़रूरत है ऐसे हितग्राहियों को लाभ दिलाना, हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना हमारी जवाबदारी है कि कोई भी वर्ग इन योजनाओं से वंचित ना रह जाए। जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, आज इतनी योजनाएं हमने अपने राजनीतिक करियर में आज तक इतनी योजनाएं नहीं देखे। अभी जैसे माननीय शिवराज मामा जी ने जो घोषणा की है सही में वो मील का पत्थर साबित होगी वो योजना, लाडली बहना योजना, सही बात है। देखो बहनों को तो रक्षाबंधन में भाई गिफ्ट देते ही हैं लेकिन मामा ने जो आज इतना बड़ा तोहफा दिया है और सही में वो बहनों के लिए बहुत लाभकारी हो। मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी की सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। संगठन की सदस्य पिछले दिनों शहर के चार फाटक क्षेत्र में एक मासूम के साथ हुए दुष्कर्म की वारदात से नाराज थी। जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन में महिला सदस्यों ने मांग की है कि दुष्कर्मियों को फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि समाज में ऐसे अपराध को लेकर भय कायम हो सके। फांसी दो, 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 फांसी दो,
बच्ची के सम्मान में मातृशक्ति में जान दे, आरोपियों को फांसी दो सम्मान में मातृशक्ति में जान दे, आरोपियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। सर हम उस बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। क्या चाह रहे हो? जिस दरिंदे ने ऐसी हैवानियत दिखाई उस मासूम बच्ची के साथ में, उसको पब्लिक प्लेस में फांसी। हम सबकी यही मांग, बस सबकी सब मजदूर महिला गरीब महिला है। इन लोग दिन भर अपनी बेटियों को घर में छोड़ के बाहर काम में चली जाती है। ना बेटियां घर में ना स्कूल में सेफ है और ना ही मार्केट में, तो बेटियों को कहाँ करे बताइए। प्रशासन जवाब दे इस चीज का। पढ़ाए नहीं पढ़ाए, घर में भी सेफ नहीं है, प्रशासन बेल पे छोड़ दे घर के लोगों को, सेफ नहीं है। बस ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी, पब्लिक प्लेस में फांसी, ताकि दोबारा ऐसा को, ताकि दूसरा क्राइम ना हो छिंदवाड़ा में। 15 दिन में 3 बार क्राइम हो गया, कहाँ है प्रशासन? नाम आपका? रेखा चौरे, मातृशक्ति संघ जिला संयोजक रेखा चौरे। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान SD लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328 साथ ही 9111750151। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं UPVC विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर। UPVC विंडो, UPVC डोर, UPVC पार्टीशन, UPVC स्लाइडिंग, LED मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का UP से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं UPVC विंडो, पाटनी टॉकीज के पास आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। ही आकर्षक ऑफर्स के साथ सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज,
फ्यूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। त्रिशक्ति मंच के सदस्यों ने गुरुवार को शहीद स्मारक में इकट्ठा होकर पिछले दिनों शहर में 5 साल की मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के खिलाफ आवाज बुलंद करने का फैसला किया। त्रिशक्ति मंच की महिलाओं ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ऐसे अपराधों के प्रति समाज को जागरूक करने की शपथ ली। उनका कहना था कि प्रशासन के साथ हम भी विक्षिप्त मानसिकता के ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे और लोगों को ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनाएंगे। जागरूकता मुहिम में मंच की संरक्षक अनीता तिवारी, नीरजा वाजपेयी, शरद मिश्रा, उषा करमेले, अर्पिता शुक्ला, पुष्पा मिश्रा, मीना जाखोटिया, अरुणा सिंगारे और साधना साहू उपस्थित थे। आज त्रिशक्ति मंच के द्वारा यहाँ पर शहीद स्मारक दिवस में हम लोगों ने आकर जो 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम लोग भरसक निंदा करते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमेशा त्रिशक्ति मंच जनता से अपील करती है, अगर इस तरह की कोई महिला या बच्ची आपको बाहर दिखे तो आप लोग उसकी हेल्प करिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और तो और देखिए, 2 दिन बाद फिर से एक दो घटनाएं और हो गई। ये बड़ी निंदनीय बात हो रही है कि अपने हमारा छिंदवाड़ा बहुत ही शांतिपूर्ण था, अब ये जाके इस तरह की घटनाएं बहुत बेकार हो रही हैं। इसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं और जो मुजरिम है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। त्रिशक्ति मंच यही चाहता है और इसमें कार्रवाई होना चाहिए और कोई दबाव और कोई उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए, जबकि निष्पक्ष फैसला करना चाहिए, ऐसा हम लोग आग्रह करते हैं। और त्रिशक्ति मंच की महिलाओं ने आज शपथ ली है कि हम आज से जन जागरूकता फैलाने के लिए कि लोगों में जागरूकता आए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज हम सब ने शपथ ली है इस शहीद स्मारक में और हम वर्ष भर इस मुहिम को 365 दिन क्या पूरी लाइफ जब तक रहेंगे तब तक चलाएंगे। नोनिया करवल स्थित शिरडी साईं मंदिर साईं धाम में ब्रह्म उत्सव मनाया गया, जिसके तहत बाबा की पालकी और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नोनिया करवल साईं मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान साईं भजन और बैंड बाजों के साथ भक्त झूमते गाते बाबा के जयकारे लगाते चल रहे थे। इस वर्ष भी साईं मंदिर नोनिया करबल में बाबा की प्रतिमा स्थापना का 17वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिसमें आज प्रथम दिवस शोभा यात्रा और कल सुबह काकड़ आरती, उसके पश्चात मंगल अभिषेक के बाद दोपहर में हवन के बाद 56 भोग और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें सभी महानुभाव से मेरा अनुरोध है, धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर पूर्ण लाभ अर्जित करें और हम समिति को कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ओम साई राम। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
सुर्खियों के बाद एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज, रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। मीटिंग के दौरान अधिकारियों पर भड़के नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, सामूहिक विवाह आयोजन की सही जानकारी न दिए जाने से थे नाराज। शुरू हुई हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं, जिले भर में हजारों विद्यार्थी दे रहे परीक्षा, नकल रोकने के सख्त बंदोबस्त। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने से जश्न का माहौल, छिंदवाड़ा दफ्तर में भी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। और राज्य SC/ST आयोग के सदस्य गुरुचरण खरे ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की चर्चा, क्रियान्वयन की समीक्षा की। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।